फ्रेंड किचन तड़का में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइड राइस खाना तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होता है, लेकिन बाजार के फ्राइड राइस बहुत अधिक अनहाइजीनिक होते हैं। आज मैं आपको घर में फ्राइड राइस बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप मिनटों में फ्राइड राइस बनाकर तैयार कर लेंगे, साथ ही साथ आपके बच्चों को इतने पसंद आएंगे कि वो बाहर के फ्राइड राइस खाना भूल जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने ये 2 कप चावल को पानी में उबालकर अच्छे से ठंडा कर लिया है। फ्रेंड्स, ये 75% तक गले हुए चावल हैं और इनको हमें पूरी तरीके से ठंडा करना है, तभी हम फ्राइड राइस के लिए इसको यूज़ करेंगे। इधर मैंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स काट ली हैं, ये मैंने थोड़ी सी कैबेज ली है, इसको बिल्कुल महीन चॉप कर लिया है, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी गाजर और थोड़ा सा ये मैंने स्प्रिंग ओनियन लिया है जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। गैस पर मैंने एक कढ़ाई ली है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा कि फ्राइड राइस बनाने के लिए आप फैली हुई कढ़ाई का ही यूज़ करें जिससे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। फ्राइड राइस में लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। जितनी भी चाइनीज़ चीज़ें होती हैं उसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत पसंद किया जाता है। लहसुन को थोड़ा सा भुन जाने देंगे और ये देखिए लहसुन थोड़ा सा भुनने लगा है। इसमें काटी हुई सब्जियां ऐड कर देंगे, ये मैंने गाजर जो छोटे छोटे टुकड़ों में काटी थी उसे इसमें डाल देंगे। अच्छे से लहसुन के साथ मिक्स कर देंगे, हमें इन्हें पकाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच बनाए रखना है। अब इसमें अपनी कैबेज डाल देंगे, बीन्स ऐड कर देंगे। मैंने इसमें 2-3 चम्मच ही बीन्स ऐड की हैं, अगर आप ज़्यादा सब्जी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा सब्जी बीन्स को यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप अपनी मन चाहे जो भी सब्जी बच्चों को खिलाना चाहते हैं उसे ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग ओनियन डाल दिया है, सारी सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए जिससे बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कितनी सब्जियां पड़ी हैं। 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसे जितना हेल्दी बनाना चाहते हैं आप उतना हेल्दी इसमें बना सकते हैं। आप इसमें कैप्सिकम या इसके अलावा भी जो सब्जियां खाना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने 2 चम्मच ये सोया सॉस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच वाइट विनेगर, 2 चम्मच टमाटो सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो रेड चिली सॉस को स्किप भी कर सकते हैं। 2 चम्मच ये मैंने शेजवान सॉस लिया है, ये इसमें डाल देंगे। शेजवान सॉस से फ्राइड राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए फ्रेंड्स इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और सारे सॉसेस को और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इन्हें पका लेंगे। ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छे से पकने लगी हैं और सारे सॉसेज भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें अपने उबले हुए चावल डाल देंगे और चावलों को अच्छे से फिर सभी चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो इसमें ये सब्जियां ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं बाजार वाले, लेकिन अगर आप इसमें न्यूट्रीला बीन्स भी डालना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज हम इसे घर में बना रहे हैं इसलिए बच्चों के लिए जितना हेल्दी इसे बनाना चाहते हैं उतना हेल्दी बना लीजिए। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंग ओनियन डाल देंगे और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे।
और ये देखिए हमारे फ्राइड राइस बनकर तैयार हो गए हैं एकदम बाजार की तरह। एक बार इस तरीके से फ्राइड राइस बना के देखिए, बनाने में तो आसान है ही, साथ ही साथ खाने में आपको बाजार से भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अपने फ्राइड राइस को एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। और ये देखिए हमारे कितने फैले फैले फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं, जैसे बाज़ार में मिलते हैं। मैंने इसमें ना ही अजीनोमोटो का यूज़ किया है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव डाला है, लेकिन ये इतने टेस्टी बने होंगे कि आपके बच्चे एक बार खाएंगे तो फिर इसी तरीके के फ्राइड राइस बनाने की डिमांड करेंगे। इसके ऊपर से थोड़े से स्प्रिंग ओनियन से गार्निश कर देंगे और ये लीजिए हमारे एकदम बाज़ार की तरह फ्राइड राइस बनकर तैयार हैं। एक बार इस तरीके से फ्राइड राइस बना कर देखिए, फिर आपको किसी भी सब्जी या दाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें।